हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि केसी इंटरनेशनल कंपनी को एक बहुत बड़ा वर्क ऑर्डर मिल गया है, लगभग 1681 करोड़ का। तो इस जो वर्क ऑर्डर को हम जॉब अपॉर्चुनिटी और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एज ए सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क कैसे लेते हैं, उस नजरिए से देखेंगे इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं। तो केईसी में जब भी बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, केईसी का किसी भी कंपनी में बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो हमको पता होता है कि जब बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट्स होते हैं और साथ ही साथ सबलेट वर्क भी मिलते हैं। तो अब हम पहले प्रोजेक्ट्स के बारे में जान लेंगे क्या है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है ये दरअसल 1681 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे ज़्यादा जो वैल्यू वर्क वैल्यू है वो है 1287 करोड़ का TND प्रोजेक्ट्स में, जो कि पावर ग्रिड से मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद सिविल के लिए इसमें कुछ वर्क है, वाटर पाइपलाइन के इसको काम मिले हैं 254 करोड़ के। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको मिला है 63 करोड़ का। मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर स्मार्ट सिटी के लिए, ठीक है, और केबल्स में भी इसको 77 करोड़ का कुछ प्रोजेक्ट्स मिला हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये, इससे थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, काफ़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जो होता है जनरेट होगा, क्योंकि पिछले बार 1400 करोड़ के दो प्रोजेक्ट मिले थे, उसके बाद दिसंबर में मिले थे इसे, दिसंबर 2020 में। तो इसे काफ़ी सारी इसमें वैकेंसीज आई थी दिसंबर में और फिर उसके बाद जनवरी में भी काफ़ी वैकेंसीज, लगभग 100-150 वैकेंसीज आई थी, जिसमें मैनेजर सेफ्टी क्वालिटी ट्रांसमिशन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए और केबल डिवीजन में और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और रेलवे सेगमेंट।